नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन लाइव मार्केट आप लोगों को दिखा हुआ, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। आप लोग पहले इधर से टाइम देख लीजिए, ये 12:10 हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इसका नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली वीकली मंथली व्यू दिखा दिखाता हूँ, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत स्ट्रैटेजी वाला वीडियोस मैंने कर बीच बीच में लोड कर देता हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को और वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी है, सेटअप्स है ऑलरेडी, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, इसमें आप लोग को इधर से टाइम देख सकता है। मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आज का ये प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने पूरा दिखाऊंगा आप लोग को सभी कैसे प्रॉफिट आया और सब कुछ दिखाऊंगा। तो इधर से आप लोग को और जो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सीखा जाएगा, जो आप लोगों को बेसिक चीज़ से एडवांस लेवल तक बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में मैंने सीखाता हूँ, तो वो आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। और एंजल बुकिंग आस्था टे डेलिस आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को ज्वाइन होने से आप लोग को बहुत ही फ़ायदा है। मेरा कॉल आप लोग को फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो इधर से देखिए, मैंने फर्स्ट इधर से मैंने ऑर्डर बुक दिखाता हूँ आप लोग को, इधर से ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। तो देखिए, इधर से मैंने IRCTC को लिया था, ठीक है। IRCTC को पहले 9:19 में, मतलब 9:19 में मैंने निकाल लिया था, आप लोग देख सकता है 69.65 में। तो वो मैंने उसके बाद इधर प्राइस नहीं दिख रहा है, इधर जो दिख रहा है दो तीन बार लिया था इसका, इधर एवरेज प्राइस दिखाएगा 72.74, ठीक है, इधर एवरेज प्राइस दिख रहा है। अच्छा, और इधर से उसके बाद फिर से मैंने लिया था, फिर से ACL टेक को बाई किया था। ACL टेक देखिए 9:34 में बाई किया था, ठीक है। ACL टेक का कॉल बाई किया था, तो ये 9:37 में इसका कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, IRCTC को फिर से लिया था 76 में, 9:44 में, उसके बाद 9:47 में इसको स्क्वायर अप कर दिया था, ठीक है। और सॉरी, उसके बाद रिलायंस को लिया था 9:47 में, उसके बाद ये दोनों को मैंने 11:36 में मैंने ये दोनों को कवर कर दिया, मतलब कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इंडिगो को लिया था, इंडिगो देखिए 11:44 में लिया था, 11:56 में इसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो इधर से आप लोग प्रॉफिट देख सकते हैं, रिलायंस को -375 लॉस, बाकी सभी में प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ देने का कोशिश करता हूँ, मैंने दो तीन देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम जाता है बहुत। अच्छा, तो कैसे इसको स्टॉक चुना है वो आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, IRCTC का मैंने इधर से मैंने स्क्रीनिंग किया, चार्ट का मेरा जो चार्टिंग में जो स्क्रीनर बनाया था सभी समय आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इधर से ये देखिए IRCTC इसमें स्क्रीनिंग में आता है, ठीक है। स्टॉक्स बियॉन्ड R2, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ मतलब कंडीशन दिया हुआ है, मैंने इधर से स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। ये सब स्क्रीनर देख के मैंने स्टॉक्स चुनता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट जो चेंज दिखा है 5.38%, ठीक है। और इसके बाद मैंने चार्ट में भी दिखाता हूँ, उसका जो कॉल मैंने 78.90 में निकल गया था, वो उसका कॉल अभी तक 87 चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इधर से 86-87 चल रहा है। अच्छा, तो इधर से देखिए, पहले मैंने 5 मिनट का डेली चार्ट में तो इधर से ब्रेकआउट दिया था, और 5 मिनट का चार्ट में देखिए, पहले इसका तो जो मैंने लिया था 59 के ऊपर लिया था, 59 के आसपास लिया था, 90 के आसपास उसको पहले छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने लिया था 90 के आसपास से,
इसके बाद ये इससे इधर से ये इधर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इधर से ब्रेकआउट दिया था, इधर से ब्रेकआउट दिया था, इसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ये 3615 तक दिया था, ठीक है। ये हम दो बार मैंने ट्रेड किया था इसको, ठीक है। तो इसके ये ऊपर मतलब इसे अभी तक ये 36 चल रहा है, ठीक है, 3636 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको 3615 में इसको छोड़ दिया था, ठीक है, लास्ट में इसको छोड़ दिया था। इंडिको का जो है, इंडिको का मैंने आप लोग को दिखाता हूँ, इंडिको का एक्चुअली मतलब ये BTST का कैंडिडेट है। इसको मैंने इसका मैंने जो किया था इसका जो मैंने स्क्रीनिंग किया था, ये देखिए NF47 ट्रेंड लाइन बाय, ठीक है, इसका मतलब RSI डाइवर्जेंस में दिखा हुआ, देखिए इंडिको, ठीक है, इंडिको इधर आ रहा है। तो मैंने इंडिको को मैं आप लोगों को डेली चार्ट में दिखाता हूँ, डेली चार्ट में इसका जो दिखा रहा है, डेली चार्ट में देखिए इधर से RSI का ये जो ये है RSI का मतलब डाइवर्जेंस दिखा है, देखिए कैसे ये नीचे आ रहा था, उसके बाद आज का कैंडल इसका क्लीन ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है 1991-2000 के आसपास इसका नेक्स्ट लेवल आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और जो दिखा रहा था, और अच्छा रिलायंस को मैंने लिया था, रिलायंस मैंने 1730 में लिया था एक्चुअली, रिलायंस इसको मैंने लॉस में एक्चुअली मैं जब प्रॉफिट आ गया कि टोटल प्रॉफिट जब आ गया था तो रिलायंस को मैंने लॉस में निकल लिया। रिलायंस का ये जब मैंने लिया था ये 85-88 का आसपास था, रिलायंस 88 के आसपास था, ठीक है। तो वो 85-84 नीचे बीच में नीचे आ गया था, 77-78 आ गया था, इधर से 38.2% में आप लोग देख रहा है, देखिए मैंने चार्ट में ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, ठीक है, इधर से नीचे आया था 61.8% में इसका रिट्रेसमेंट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया 38.2% के ऊपर ये चला गया था। मैंने जब इसके ऊपर तब भी मेरा जब कॉस्ट प्राइस नहीं आया तो मैंने इसको निकल लिया था, ठीक है, 88 तो भाग गया था लेकिन मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं आया तो इसको मैंने टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आ गया था, तो इसको मैंने इसीलिए मैंने इसका निकल दिया था, ठीक है। अच्छा, इधर से मैंने आप लोग को दिखा था, पहले भी देख चुका हूँ, जो लोग ना देख रहे हैं उन लोग को नहीं दिखा रहा था, देखिए अभी इधर से मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ही बन रहा है, तो स्ट्रैटेजी आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें आप लोग को फायदा है, ठीक है। इधर से देखिए मेजर मैंने दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जो अभी सिनारियो दिख रहा है निफ्टी का, देखिए इसका PCR रेशियो 1 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, PCR रेशियो 1 के ऊपर चल रहा है, 16450 में इसका मतलब ये 16500 में रेजिस्टेंस बना है, 16400 में सपोर्ट बना है, और इधर से देखिए 16450 में इसका देखिए इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑल साइड में 22000 और इधर 15000 शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आई वी पॉजिटिव है। ये अभी तक इसका मतलब निफ्टी अभी 11450 क्रॉस कर सकता है, लेकिन बहुत धीरे ये जाएगा, अब मतलब फ्लक्चुएट करके बहुत धीरे इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है, 500 के आसपास इसका जाने का प्रोबेबिलिटी इसका देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इधर से देखिए मैंने पहले भी देख चुका था, मैंने इधर से देखिए और 12 से मैंने इसका ये हैंडल कर रहा हूँ, तो इधर से देखिए इसका आप लोग देख सकता है, इधर से पे आउट भी हो चुका है, ठीक है, इसके बाद इसका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो इधर से आप लोग देख सकता है, इधर से कुछ मतलब BTST एस्टिविटी भी करता हूँ, ठीक है, इधर से देखिए ये कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो इधर से देखिए ये काल का भी इसका ये काल का प्रॉफिट था, आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं,
इससे भी देख सकते हैं, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं। ये आज का बैलेंस था, ठीक है, आज का बैलेंस, ये आज का बैलेंस था, तो इसके ऊपर आज का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कंसिस्टेंटली इधर से आज का प्रॉफिट 15,000 लेके स्टार्ट किया था, कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट ही बन रहा है। इसका देखिए कॉल का ये एंट्री, ठीक है, इसका पहले का इसका एंट्री ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। इसका अंदर पे आउट भी हो चुका था, ठीक है, इसका अंदर पे आउट भी हो चुका है 3 बार, ठीक है। तो ये सब, ये मतलब 15,000 का मतलब ऑलमोस्ट 45,000-50,000 के आसपास है, 1 महीना में इसका प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है। और इससे तो आप लोग को दिखा दिया है चार्ट का सेटअप और इसका स्ट्रैटेजी, जो स्पिनिंग आप लोग इसका देख सकता है, चार्ट का सेटअप भी आप लोग इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। मेरा पिछले वाला वीडियो देख दिए, देख लीजिए, तो इससे आप लोग को बन गया है, मतलब दिख जाएगा, मतलब चार्ट का स्ट्रैटेजी भी आप लोग को दिख जाएगा। तो अभी लगभग मेरा ट्रेडिंग मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तो मार्केट में देखिए ये ISCTC कहाँ जा रहा है, मैंने 780 इसका छोड़ दिया था, अभी ये 100 चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।